अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारी वीडियो है उसका आगाज़ हो रहा है मैनचेस्टर का सेकंड डे, और आज के दिन जो है हमने डिसाइड किया कि मैनचेस्टर की बाकी जगहों पे जो है हम थोड़ा एक्सप्लोर करें। और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि उनको जो है वो म्यूज़ियम देखना है यहाँ पे, मैनचेस्टर म्यूज़ियम, जो कि काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है यहाँ पे। और उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो है इजिप्शियन ममीज़ रखी हुई हैं, फिरौन की, जिसको लोग कहते हैं कि ममीज़ हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहाँ जाया जाए और यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। तो बस हम लोग यहाँ पे एंटर हो गए थे, सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले और हम यहाँ पे गए। सबसे अच्छी बात इस म्यूज़ियम की ये है कि ये फ्री म्यूज़ियम है और एनीवन कैन एंटर विदाउट एनी फीस। तो बस जब हम एंटर हुए हैं तो वहाँ शुरू के अंदर जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई थी। वहाँ पर एक एशियन सेक्शन था जहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी जो है पाकिस्तानी ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की जो है वो बुक्स दिखीं। उसके बाद जो है बड़ा वाला सेक्शन जहाँ पे हम एंटर हुए तो हैरत हुई कि इतने हज़ार साल के बाद भी जो है ममीज़ कैसे अभी तक प्रिजर्व्ड हैं, और किस तरीके से आप ये देखें कि किस तरीके से उस ज़माने में लोगों ने किस तरीके से कार्व करके और ये तमाम चीज़ें बनाई होंगी। जस्ट इमेजिन कि जो ये लोग हैं जिनकी ये ममीज़ हैं वो उस वक्त के कितने ताकतवर किस्म के लोग रहे होंगे। बड़ी हैरत होती है वो देखे कि उस ज़माने में लोग जो हैं वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और किस तरीके से वो जो है शिकार किया करते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उनका लिविंग स्टाइल किस तरीके का था और किस तरीके के ताकतवर लोग थे उस वक्त। तो देख के बड़ी हैरत होती है, और आप ये देखें कि सब कुछ उन्होंने उस वक्त इस तरीके से कार्व किया हुआ कि आज तक जो है वो महफूज है। इस व्लॉग में मैंने थोड़ा कम बोला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, और ख़ामोशी से जस्ट लाइक लाइब्रेरी, जैसे आपको खामोश रहना होता है उसी तरीके से म्यूज़ियम के भी अपने आदाब होते हैं। यहाँ पे आपने ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते, तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ यहाँ की वीडियो बनाई है और मैंने जो है उसके ऊपर वॉइस ओवर किया है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो है अक्सर ही बोलते हैं कि आपने जो है वो वहाँ पर बात नहीं की है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर करना चाहा यहाँ पर। इससे अगला सेक्शन तो सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बिकॉज यहाँ पे जो है वो डायनासोर्स की जो है वो स्केलेटन्स वगैरह रखे हुए थे, उनके प्रिजर्व किए हुए थे उनकी पूरी बॉडीज़। और बड़ी हैरत हुई कि किस ज़माने में जो इतने बड़े बड़े जो है वो डायनासोर रहा करते होंगे। शायद आप पीछे देख भी सकते हैं ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, मैंने उसको अच्छी तरीके से, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन बहुत बड़े से डायनासोर की जो है उन्होंने पूरा एक स्केलेटन जो है वहाँ पे हैंग किया हुआ है। उसके बाद बस कुछ एरियाज़ में आया जहाँ पे रेप्टाइल्स से कुछ डिफरेंट एरियाज से अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट्स, और एशियन था, चाइनीज़ था, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। पुरानी तस्वीरें जो हैं सब कॉन्टिनेंट्स, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और इन तमाम कंट्रीज़ की डिफरेंट कल्चर वगैरह का जो है वो सेक्शन था। बच्चों को ख़ास तौर पर मैंने दिखाया कि इस तरीके की जो है पहले मूवीज़ हुआ करती थी, खैर वो तो हमारे से भी पहले की बात है कि किस तरीके से मूवीज़ जो है चला करती थी। तो बहुत डिफरेंट सा फील हुआ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए और टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी तरक्की कर गई है। ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर पिकार्डली आए, पिकार्डली गार्डन्स
काफ़ी रौनक थी यहाँ पे एज़ यूजुअल, और ख़ास पे वीकेंड में तो ये बहुत ही बिज़ी होता है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। और यहाँ पे एक अच्छा सा एक एशियन सा फूड फेस्टिवल लगा हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वो हलाल फूड्स थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ जो है हम खा सकते हैं प्रॉपर बाहर। तो हम लोगों ने यहाँ से ये डोनर कबाब लिए और लोडेड चिप्स लिए, जो कि हमें बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत पसंद है। सब यहाँ पे सब कुछ देख के इतना हसीन लग रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि सब कुछ ही बंदा ले ले। बस ये तमाम चीज़ें करने के बाद हम लोग थोड़ा घर आए, और घर आके हम थोड़ा सा रेस्ट किया, एंड देन उसके बाद जो है हमें जाना था शाम में जो है विम्सलो। और विम्सलो रोड जो है यहाँ पे बहुत मशहूर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हलाल फूड मिलता है, और एशियन फूड है यहाँ पे, अरबिक फूड है, टर्किश फूड है, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है। तो बस हम लोग शाम में तैयार हुए और हमने कहा कि चलें हम यहाँ पे खाते हैं। जी हाँ, आप यकीन करें कि ये जो है विम्सलो रोड है, जो कि यूके का मैनचेस्टर का एक रोड है, ये तारिक रोड बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग सब जो है, सब लोगों ने जो इतफ़ाक़ किया वो टर्किश फूड पे किया, और बहुत ही मज़े का जो है फूड था, इतना मज़े का था कि नेक्स्ट डे जब हम लोग निकल रहे थे टूवर्ड्स न्यूकासल, तो हम लोग यहाँ पे हमने स्टॉप ओवर किया, एंड देन वी हैड लंच देयर अगेन एंड वी रियली एंजॉयड इट। यहाँ फूड बहुत मज़े का था, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, और इसका पोर्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा था। ख़ासतौर पर शवरमा मुझे बहुत ही पसंद आया। और फिर बस हम लोगों ने लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैवल करना था। तकरीबन न्यूकासल का जो रास्ता है मैनचेस्टर से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव है, और अगर बिज़ी रूट्स हों तक तकरीबन जो है वो 4-4.5 घंटे भी लग जाता है। तो बस हम लोग फिर यहाँ निकले थे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था और हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे अभी भी आज भी बहुत गर्मी थी, और तकरीबन यहाँ का टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस है। फिर बीच में हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया, और रेस्ट के लिए हम यहाँ पे रुके थे, और हम लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी ली, चाय ली, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। उसके बाद जो है हम दोबारा निकल गए, कुछ शॉपिंग भी हमें करनी थी यहाँ से। तो आज संडे था यहाँ पे, बट यहाँ पे काफ़ी रौनक थी, आई थिंक लोग काफ़ी लोग जो है यहाँ पे रुकते हैं, और चूँकि अभी छुट्टियाँ ही चल रही थी, हॉलीडेज़ चल रही थी बच्चों की, तो काफ़ी लोग जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी। और जो स्टॉप ओवर जो होते हैं मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बंदा थोड़ी देर बैठता है और चाय कॉफ़ी खाना इंजॉय करता है, एंड देन आप फिर अपने अपने सफ़र के लिए दोबारा से रवाना हो जाते हैं। तो बस ये था हमारा शॉर्ट सा एक वीलॉग, जिसमें हम लोगों ने जो है ट्रैवल किया, और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में और अगले टाइम में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।